हेलो एवरीवन, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राय ऑनलाइन एकेडमी एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको क्लास 10 से 12 के साथ पॉलिटेक्निक इंट्रेंस सेमेस्टर एवं कंपटीशन का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाता है। तो आज के क्लास में हम लोग इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर का सेकंड यूनिट में हम लोग इंटर कर चुके थे और इसी में हम लोग पंप को टाइप्स को देखे थे और उसी में आज का टॉपिक हम लोग है, एक है आपका जियोरेटर पंप, एक होगा पिस्टन पंप को हम लोग कवर करेंगे। तो आप इस लाइव सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, है ना, जिससे हम लोग अधिक से अधिक जल्द से जल्द इस लाइव सेशन को हम लोग जुड़ सके, है ना। तो फटाफट शेयर कर दीजिए, है ना। तो दिल लगाना ही है किताब से लगाओ, अगर दिल लगाना ही है तो किताब से लगाओ, अगर बेवफा भी निकल ली तो मुकद्दर बना के जाएगी। अगर किताब से दिल अगर भीमराव अम्बेडकर ने नहीं लगाया होता तो आज उनका लोग इतिहास में आज मरणोपरांत उन लोगों को आज भारत नहीं पूरा विश्व जान रहा है कि अम्बेडकर ने भारत का संविधान निर्माता थे और जो संविधान उन्होंने रचित यानी रचना की वो संविधान पूरा विश्व के सबसे बड़ा संविधान वो है ना। तो अम्बेडकर का नाम पूरे विश्व में सब लोग जानता है, भीमराव अम्बेडकर का। तो उनका एक वो भी क्या से तो उन्होंने दिल लगाया था, क्या किताबें पर दिल लगा बैठा था, इसी के चलते आज उनका नाम है। अगर आप अगर वो भी अगर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में रह जाते तो उनका भी अगर नाम नहीं होता और शायद भारतीय इतिहास में संविधान निर्माता अगर में उनका अहम भूमिका नहीं रोल निभा नहीं पाते, है ना। तो खैर ये था, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए अपने स्टडी पर, अपने जो भी आपका गोल है उस पर आप गोल को अचीव करने में अधिक से अधिक टाइम को यूटिलाइज कीजिए, है ना। तो चलिए इस लाइव सेशन का हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग पहला है आपका जियोरेटर पंप, सेकंड है आपका पिस्टन पंप। तो जियोरेटर पंप देखिए इस तरह से आपका एक जियोरेटर देखिए इस तरह से आपका है और ये देखिए इसमें एक गियर है, एक गियर ये है, एक गियर यानी आउटर गियर को हम लोग कहते हैं, आइडल गियर या रोटर कहते हैं। रोटर मतलब गियर नहीं, एक तरह से रोटर है, ये भी आपको घूमता है। और इंटरनल रोटर को कहते हैं रोटर ड्राइव गियर, यानी कि जो इंटरनल रोटर होता है वो किससे कनेक्ट होता है, तो आपका शाफ्ट से कनेक्ट होता है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ से जैसे ही क्लियरेंस होता है, यानी कि है ना, यहाँ से वैक्यूम क्रिएट होता है चलने के बाद, तो यहाँ से फ्लूइड इंटर करता है और यहाँ जाने जाने के बाद यहाँ फ्लूइड कॉम्प्रेस हो जाता है, यानी कि यह प्रक्रिया पंप में सब जगह यही होता है ना। तो ये आपका हो गया। उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन देखेंगे और वर्किंग देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में कहता है द वर्ड्स जनरेटर मींस द पावर जनरेटर ऑन रोटर्स इज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। कहता है कि जनरेटर का वर्ड्स एक का अर्थ होता है पावर जनरेटर ऑन रोटर, ये रोटर पर पावर जनरेट करते हैं कहां से, तो एक्सटर्नल सोर्स से। कहता इट इज वेरी मच सिमिलर इन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग दैट द ऑफ इंटरनल गियर पंप। एक इसका वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन जनरली किसके जैसा है, तो इंटरनल गियर के जैसा है। तो कहता द इंटरनल इनर रोटर इज द जनरेटर माउंटेड ऑन द शाफ्ट। जो इंटरनल गियर रोटर होता है वो किस पर शाफ्ट होता है, शाफ्ट पर माउंटेड होता है। फिर कहता द रोटर ड्राइव्स द आउटर रोटेट, फिर जो ये रोटर देख रहे हैं ड्राइव्स वो किसको रोटेट करता है, तो आउटर डाय यानी आइडलर रोटर को ड्राइव करता है। जनरेटर हैव ओनली वन टीथ लेस देन आउटर रोटर, यानी जो रोटर है उसका सबसे अधिक टीथ होता है। फिर आपका हम लोग इसको वर्किंग देखेंगे, हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन देख लिया कंस्ट्रक्शन कितने होते हैं। फिर कहता है वर्किंग में व्हेन द शाफ्ट रोटेट, जब ये शाफ्ट रोटेट करता है तो जनरेटर रोटर भी व्हिच रोटेट द आउटर रोटर्स द पोर्शन वेयर द टूथ ऑफ जनरेटर स्लाइड फ्रॉम द आइडल वॉल्यूम इंक्रीज एंड पार्शियम वॉल्यूम क्रिकेट। कहता है जैसे ही रोटेट करता है यहाँ सक्शन साइड में पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होता है जिससे हमारा फ्लूइड इंटर करता है। तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ गेट्स फ्लूइड गेट ट्रांसफर डिस्चार्ज, उसके बाद हमारा फ्लूइड यहाँ डिस्चार्ज पहुंच जाता है। वेयर द टीथ आर जनरेटर स्टोर इन देन काउज ऑफ रिडक्शन इन वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ फ्लूइड इज इंक्रीज, है ना। तो कहता है यहाँ आने के बाद आपका जो कि वॉल्यूम आपका कम होने के कारण आपका प्रेशर यहाँ बढ़ जाता है, यानी फ्लूइड कंप्रेस तो होगा ही नहीं क्योंकि इनकम्प्रेसिबल ही नेचर का हम लोग फ्लूइड होता है। तो देखिए पंप जनरली सबका केवल कंस्ट्रक्शन आप दिमाग में रखिए किस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद वर्किंग तो आप खुद फिगर जब आप
क्लियरली बना लिए तो आप कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लिख सकते हैं। आपको फिगर में ध्यान में रखना है कि जनरेटर पंप किस तरह से होता है ना, इंटरनल गियर पंप कैसा होता है, एक्सटर्नल गियर पंप कैसा होता है, उसके बाद पिस्टन पंप कैसा होता है, यानी कि केवल आप फिगर को आप दिमाग में एनालाइज कीजिए, एक से दो बार उस फिगर को बनाने का खुद से प्रैक्टिस कीजिए और देख देख के क्या क्या इसमें होता है उसको खुद से अपने लिखिए। एक बार कॉपी में राउंड करने के बाद बार बार खुद से लिखिए। फिर उसके बाद देखिए पिस्टन पंप कहता है, पिस्टन पंप मतलब जिसमें पिस्टन का यूज हो, कहता है इट इज ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, या पिस्टन पंप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। फिर कहता है टाइप्स ऑफ पिस्टन पंप, तो पिस्टन पंप एक्सियल पिस्टन पंप होता और एक रेडियल है ना, एक एक्सियल पिस्टन पंप होता और एक रेडियल होता है। तो एक्सियल उस पंप पिस्टन पंप को कहते हैं जिसका जो एक्सिस रेसिप्रोकेट, मान लीजिए कि सिलेंडर आपका है और इसमें पिस्टन रेसिप्रोकेट कर रहा है, तो जो पिस्टन रेसिप्रोकेट कर रहा हो किसके डायरेक्शन में होना चाहिए, सिलेंडर के डायरेक्शन में यानी सिलेंडर के एक्सिस में होना चाहिए, तो उसे एक्सियल पिस्टन पंप कहेंगे। और अगर इस कंडीशन में अगर नहीं हो तो रेडियल कंडीशन होगा। तो खैर हम लोगों ने देखा कि जो एक्सियल पिस्टन पंप है उसका भी दो टाइप है। तो पहला है बेयर वेंट एक्सिस पिस्टन पंप, जिसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए वेंट एक्सिस, देखिए ये आपका फिगर पहले समझने का प्रयास कीजिए, ये देख रहे हैं पूरा ये आपका एक सिलेंडर है और एक एक सिलेंडर पिस्टन एक ये है और ये इसमें शाफ्ट कनेक्ट है और ये देख रहे हैं जो इस सेक्शन को उसको इंक्लाइन कर दिए इस तरह से ताकि हम लोग घूमने में एक आसानी हो सके है ना। जैसे मान लीजिए कि ये घूमेगा इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ये शाफ्ट है आपका, ये शाफ्ट घूम रहा है, तो शाफ्ट घूमने से कारण ये कभी इधर आएगा, ये जब इधर आएगा तो ये उधर जाएगा और ये इधर आएगा यानी ये उधर जाएगा तो ये आएगा, यानी कि एक दूसरे के साथ ऐसा इंक्लाइन कर देते हैं कि एक आएगा तो एक जाएगा, यानी कि एक आ रहा है तो एक जा रहा है, इस तरह से रेसिप्रोकेटिंग करते रहेगा एक दूसरा सिलेंडर। तो पहला एक सिलेंडर है, इसमें आपको सक्शन साइड है, यहां से आपका फ्लूड इंटर करता और इंटरनली एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। तो यहां से जैसे ही फ्लूड यहां इंटर किया तो सक्शन साइड इंटरनली एक चूंकि कनेक्ट है तो वहां से आपका निकल जाता है डिस्चार्ज साइड के द्वारा। तो ये आपका वेंट एक्सिस पिस्टन पंप है। इसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन देखेंगे और वर्किंग देखें। तो कंस्ट्रक्शन में देखिए कहता है इट कंसिस्ट ऑफ ए सिलिंड्रिकल ब्लॉक रोटेटिंग विथ ड्राइव शाफ्ट, जो किसके शाफ्ट कनेक्टेड, तो ड्राइव शाफ्ट है। फिर कहता है द सेंटर लाइन ऑफ द सिलेंडर ब्लॉक इज सेट एज एन ऑफसेट एंगल, यानी इसके जो सिलेंड्रिकल ब्लॉक को सेट कर रहे हैं उसको ऑफसेट एंगल यानी इंक्लाइन पोर्शन के साथ कनेक्ट करेंगे। रिलेटिव टू द सेंटर लाइन ऑफ ड्राइव शाफ्ट, ये सेंटर लाइन ड्राइव शाफ्ट देख रहे हैं, इसका सेंटर लाइन है इस तरह से सेंटर लाइन के साथ इंक्लाइन कर देते हैं, है ना। ये तो देखिए इंक्लाइन आपका हो गया, तो वही कहता है। फिर कहता है सिलेंड्रिकल ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ बैरल पिस्टन अरेंजमेंट, ये जो सिलेंडर का ब्लॉक देख रहे हैं बैरल यानी दो से अधिक तीन चार पांच भी आपका सिलेंडर यानी पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। फिर कहता है पिस्टन रॉड इज माउंट ऑन द ड्राइव प्लेट फिक्स टू ड्राइव शाफ्ट, ये जो आपका है जो फिक्स एक दूसरे के साथ फिक्स किया हुआ है। फिर इसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन देख लिए, उसके बाद हम लोग वर्किंग देखे। तो कहता है कि वर्किंग में व्हेन द ड्राइव शाफ्ट रोटेट इट्स रोटेट द सिलेंडर ब्लॉक एंड अ ड्राइव प्लेट, जिसके बाद हम लोग घूमने लगता है। फिर कहता था पिस्टन व्हेन एट द बैरल पोजीशन मूव्स बैक द एंड क्रिएट वैक्यूम, यहां से जैसे मूव करता तो क्रिएट यहां वैक्यूम क्रिएट होता और यहां से फ्लूड इंटर कर देता। फिर कहता दिस काज द फ्लूड इज स्क्रैच इन साइड द बैरल एंड नाउ द ड्यू टू रोटेशन व्हेन द पिस्टन एट बैरल पोजिशन मूव फ्रॉम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है एंड टेंस टू कंप्रेस द फ्लूड, इसके बाद फ्लूड को कंप्रेस करने का प्रयास करता है, लेकिन हम लोग का फ्लूड कैसा है इनकम्प्रेसिबल नेचर का है, तो जिससे फ्लूड का कंप्रेस नहीं हो पाएगा तो हमारा प्रेशराइज यानी जो फ्लूड होगा उसका प्रेशर इंक्रीज होगा। तो यह था आपका इंडस्ट्रियल फ्लूड पावर का ज्योरेटिकल पंप और एक पिस्टन पंप, एक से दो टॉप टाइप्स का और पंप है। इसके बाद हम लोग पंप का टॉपिक समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम लोग भाल में इंटर करेंगे, है ना। तो यह था आपका क्लासेस, जिसको तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आज के क्लास में हम लोग यहीं रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, खूब मन लगा पढ़िए।